हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और ये केवल एक डेमो वीडियो है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर, और वो सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर डिपेंडेंट लिस्ट बनाते हो, बिल्कुल उसी तरीके की एक लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगी, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आपको दिख रहा है, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आप एमपी चूज कर लेते हो, ठीक है, तो और यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक कर देते हो, रिफ्रेश ऑल पे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको केवल एमपी के सिटीज के ही नाम दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए भोपाल और सतना एमपी की ही सिटी है। अगर आप यहाँ से चूज कर लेते हो बिहार और यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देते हो, तो अब यहाँ पर आपको केवल बिहार के सिटीज के नाम दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है छपरा, सिवान और बक्सर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चूज कर लेते हो यूपी, तो यहाँ पर केवल यूपी के सिटीज के नाम ही दिखाई पड़ेंगे। ये आपके सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्पफुल हो सकता है और ये वीडियो आज रात में या कल सुबह मैं अपलोड करूंगा, तो इंतजार कीजिए इस वीडियो का और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि ये वीडियो की जरूरत आपको है, तो यस कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेजिएगा। ओके, थैंक यू।